हेलो एवरीवन, वेलकम इन वेलनेस वाओ फ्राइडेज। और इस फर्स्ट सेशन में आज हम बात करने वाले हैं व्हाई टू फोकस ऑन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जब विटामिन्स और मिनरल्स की बात होती है ना, तो बता दूं कि आपके बॉडी के अंदर 200 ट्रिलियन सेल्स और टिश्यूज की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आपको विटामिन्स और मिनरल्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और इंडियंस के अंदर तो वैसे ही अटेंशन है, क्योंकि 90% से ज्यादा भारतीयों में पोषण की कमी है। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है विंटर्स के अंदर। विटामिन ए के अंदर सबसे पहले आपको गाजर को इस्तेमाल करना चाहिए, साथ साथ आप चुकंदर यानी कि स्वीट पोटैटो को इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कीजिए घर के अंदर, और साथ साथ आप इस्तेमाल कीजिए लाल शिमला मिर्च का, जिसे आप रेड बेल पेपर कहते हैं, और ज्यादा पत्तों का सलाद खाने की कोशिश कीजिए। यह बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। विटामिन ए आपकी बॉडी में सेंटर फॉरवर्ड के रूप में क्रिएट करके आपके सेल्स के मेम्ब्रेन को क्रिएट करता है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी और विटामिन ई आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि प्रदूषण के प्रभाव को बॉडी में कम करेंगे और आपकी स्ट्रांग करेंगे इम्यूनिटी को। डाइट की अगर बात करता हूं तो उसमें आप संतरे पर फोकस कर सकते हैं, अमरूद पर फोकस कर सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स पर फोकस कर सकते हैं, आप बादाम रात को भिगोकर सुबह खा सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। ये सब सीजन में, आज इस विंटर के सीजन में आप फॉलो कर सकते हैं अपने विटामिन ई और सी की डाइट को मजबूत करने के लिए। और उसके बाद आता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 की जब बात करता हूं तो नेचुरल पिलर सेल्स को आपके डेवलप करता है, इंस्टेंट एनर्जी क्रिएट करता है। और जब इंस्टेंट एनर्जी के क्रिएट करने की बात आएगी तो बनाना को हम कैसे भूल सकते हैं। बनाना अच्छे हैं, सफेद छोले हो गए, हरे छोले हो गए, वो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ आप आलू विद स्किन खाइए, बॉइल्ड आलू बहुत अच्छा होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और साथ साथ आप फोकस कर सकते हैं पिस्ता या ड्राई फ्रूट के ऊपर भी, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद आएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपके वैसे तो मास्टर ऑफ विटामिन कहते हैं, तो और आपकी बॉडी में हार्मोनल कंडीशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। और इसके बाद अब हो गए मिनरल के बाद जिंक की बारी, जो कि एक अच्छा मिनरल आपको विंटर में जरूरी है। और इसके अंदर मिनरल की जब बात करते हैं तो ये जिंक आपकी एम्पायर की तरह काम करता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन देता है, आपकी बॉडी के सेल्स को रेगुलेट करता है। और साथ साथ इसमें कद्दू के बीज हो गए यानी पम्पकिन सीड्स हो गए, उसका इस्तेमाल अच्छा कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ कैशोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसके साथ साथ बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे अच्छे हेल्दी ऑप्शन है इसके लिए, और ये आपके पूरे स्ट्रांग इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, आप इसके साथ साथ ये हमारे 3 प्रोडक्ट भी हैं जिसे आप फोकस कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, विटामिन ई और सी के लिए एक्सेक्सिन, मल्टीविटामिन मिनरल विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी6, इन सब का मिश्रण एक जगह चाहिए तो ये मिलेगा मल्टीविटामिन मिनरल। बेसिक फाउंडेशनल प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए। और इसके बाद आता है ओमेगा 3 और आपका न्यूट्रीशेक, जो न्यूट्रीशेक मैक्रो न्यूट्रिएंट को भी सपोर्ट करेगा प्रोटीन और फाइबर के साथ। और रही बात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घर से निकालने की बात, तो एयर प्यूरिफायर को कैसे भूल सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।